सिस्टम को कॉन्ट्रीब्यूट। वहीं रणदीप सुरजेवाला भी ट्वीट करके कहा, सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या से गहरा सदमा लगा है। दुनिया भर में पंजाब और पंजाबियों ने सामूहिक जुड़ाव वाला एक प्रतिभाशाली कलाकार खो दिया है, जो लोगों के नब्ज को महसूस कर सकता था। शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब सरकार का सीधा इशारा साधा है। मूसेवाला साहब का जो मर्डर हुआ है, ये एक बहुत ही दुखदायी और हृदय विदारक इंसिडेंट है, और इसने सारे देश को हिला कर कि एक पंजाब का चमकता हुआ सितारा जो है वो आज इस हमले में, इस मर्डर में हमने खो दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर गिना जाना चाहिए, और होम मिनिस्टर इनको सीएम को रिजाइन करना चाहिए। जबकि सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट करके कहा, सीएम को भी ईमानदारी से सोचना चाहिए था कि क्या मूसेवाला की सुरक्षा वापस लेने का सस्ता लोक लुभावा निर्णय सीधे तौर पर उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार है। आखिरकार उसे जीवन के लिए एक वास्तविक खतरा का सामना करना पड़ा। ये राजनीतिक बिंदु स्कोरिंग का समय नहीं है, लेकिन किसी को स्थिति की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी सुरक्षा हटाए जाने पर सवाल किया। इसी कारण से किसी व्यक्ति की सुरक्षा उसकी जान के खतरे के आंकलन पर आधारित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत पसंद और नापसंद पर आधारित होनी चाहिए। यदि वो सुरक्षा एक उद्देश्य आवश्यकता आधारित निर्णय के बजाय वफादारी का इनाम बनती है। विपक्ष के टीके हमले के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके लोगों से शांति बनाई।